महाराष्ट्र इमारत और अन्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की योजना अंतर्गत कामगारों को सेफ्टी किट अर्थात पेटी दी जा रही थी। हिंगनघाट के कलोड़ी हॉल में पेटी वाटप कैंप आयोजित किया गया था। इस हेतु मजदूरों को टोकन भी दिया गया था और उन्हें सुबह 4 बजे बुलाया गया। इसके मुताबिक मजदूर सुबह 4 बजे से कतार में खड़े थे, जिसमें कुछ बाहर गांव के मजदूर भी गाड़ियां करके आए थे और रात भर इंतजार करते रहे। लेकिन रात 2 बजे अचानक से कुछ भी सूचना न देते संबंधित कर्मचारी फरार हो गए, जिस वजह से मजदूरों के साथ धोखाधड़ी होने की बात हो रही है और इस वजह से मजदूरों ने संताप जताते संविधान चौक के पास के नेशनल हाईवे पर सभी ने कुछ समय के लिए चक्का जाम किया। सभी मजदूरों ने महाराष्ट्र इमारत और अन्य बांधकाम कल्याणकारी मंडल को योग्य व्यवस्थापन करके पेटी का वितरण करने की मांग की है। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोडकर की रिपोर्ट। पहाटे 4 वाजता कामगार लोकांना इथे येण्यासाठी सांगितले आणि प्रत्येकाला टोकन दिले। काही लोक खेड्यावरचे, काही लोकांनी काल इथे मुक्काम केला, काही लोक रात्री 2 वाजेपासून कधी 3 वाजता कधी 4 वाजता कलोडे हॉलमध्ये आले आणि बाहेर सुद्धा रांग लावली। आणि ज्यांनी हे माहिती दिली, ज्यांनी हे सांगितलं, ते 11 जणांची 12 जणांची टीम होती, त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिला पेटी वाटपचा, ते रात्री 2 वाजता इथून फरार झाले। त्याच्यानंतर त्यांनी इथे फलकावर सूचना सुद्धा नाही लावली की आम्ही इथून चाललो म्हणून कामगार लोकांची पिडवणूक केली। 3 दिवस झाले आम्ही इथंच मुक्कामाना आहो, खेड्यापाड्यामधून आम्ही हजार 2000-2000 गाड्या करून येऊन राहिलो। आम्ही 2 दिवस झाले इथं मुक्कामान आहो। आज काल आम्हाला टोकन मिळालं, सांगितलं की नाही तुम्ही 2 वाजतापासून इथं रांगीत उभ्या राहा। सकाळचे पहाटेचे 2 वाजतापासून आम्ही इथंच मुक्कामान आहो आणि सांगितलं की नाही बा तुमचं उद्या आमचं काम होऊन जाते, आम्हाला टोकन दिलं ना। आज हे कर्मचारी लोक ऑफिस बंद करून गायब आहे, अचानकच फरार झाले। अचानकच मग यांनी आमची फसवणूक केलेली आहे। आज आम्हाला जे टोकनवाले लोक आहे त्यांचं